नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शहर के जजी मैदान और आसिफगंज मोहल्ले में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार और एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने पैदल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। जजी के मैदान से सिविल लाइन स्थित घंटाघर चौराहे पर लगे घड़ी को जब उन्होंने खराब देखा और कई दिनों से हाई मास्क लाइट को नगरपालिका द्वारा ठीक कराने के लिए नीचे उतारा गया था, इन चीजों को देख करके मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए युवक को जल्द से जल्द इन चीजों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। साथ ही मंडलायुक्त ने कंटेनमेंट जोन एरिया के निरीक्षण के दौरान बताया कि कंटेनमेंट जोन एरिया में लोगों का मूवमेंट नहीं है, सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लोगों से अपील किया है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, मास्क जरूर पहने, अपने भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। शहर में मैं आज निकला हूं और डीएम साहब और एसएसपी साहब भी साथ में हैं, तो शहर की साफ सफाई व्यवस्था और कंटेनमेंट जोन में किस प्रकार निगरानी रखी जा रही है मैं देखने आज निकला था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप भी हैं, तो कंटेनमेंट जोन में जो गतिविधियां हैं काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, तो मास्क जिस तरह का मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और अभी एसएसपी साहब ने बताया कि आज जनपद में 2600 चालान कटे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहलवाना चाहूँगा सभी सम्मानित जनता को कि स्वयं भी बचें और अपने परिजनों को भी बचाएं और सावधानी बरतें, 2 गज दूरी और मास्क जरूर 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 पहनें। सर, अभी आपने निरीक्षण किया लाइट का और घड़ी का, क्या निर्देश दिया? तो लाइट और घड़ी दोनों चीज़ों को देखा गया है, तो ये साहब को निर्देशित किया गया है कि लाइट को जल्द से जल्दी इसको रिपेयर करा के ऊपर लगवाएंगे और घड़ी को भी शीघ्र ही ठीक करवाएंगे।